कंबडभूजे अजून वेळ गेला तर सामना मात्र तुमच्यासाठी तीन षटकांचा असेल चला खेळायचं पहिलाच बॉल समर्थ कडूचा गर्गन वळवला होता बॅट कट इथे खात उघडलंय त्यामुळं बॅटला स्पर्श करून गेला होता म्हणून जे यष्टी रक्षकासाठी संधी होती झेल टिपण्याची आणि समर्थ कडू नामवंत गोलंदाज ओळखला जातो रायगडचा गेल या नावानं सुद्धा खेळाडूला उपमा दिली जाते लेफ्ट विकेट विकेटनं गोलंदाज यार प्रशांत पाटील साठी या बॉल प्रशांत पुढे सरकला होता त्यानंतर मात्र जसं पाहिलं चेंडू चांगला आहे तो अगदी सन्मान देणं पसंत केलं एकच जाब होईल शॉर्ट स्क्वेअर लेगला का तर दोनही फलंदाजांनी उघडले एक एक धाव्यानं आयकॉन खेळाडूंचा परफॉर्मन्स आजच्या दिवसभरामध्ये चांगला राहिला आहे म्हणजे ज्यासाठी त्यांना बोलवणं केलं होतं त्यांनी सगळ्यांनी मात्र शंभर टक्के देण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केलाय पारगाव टीमचं आपण पाहिलं योगेश पवारनं चांगली बॅटिंग केली मग अशी आपण पाहिलं केतन मात्रेने चांगली गोलंदाजी केली मयूर वाघमारे दमदार परफॉर्मन्स दिलाय आता मात्र समर्थ कडूची आपण बॉलिंग पाहतोय आणखीन एक बॉल निर्धाव चेंडू या बॉलचा हे बॉल टप्पा पडल्यानंतर कट केला होता बाहेरच्या बाजूला वळणारा इथे मात्र एक अँगल क्रिएट केला जातोय समर्थ कडू करवी टप्पा पडल्यानंतर बाहेरच्या बाजूला वळवतोय बा। बॉल मॅजिकल फिंगर्स आहेत आणि यासाठीच मात्र थोडीशी वाट पाहिली गेली मंगे स्मृती कुंभडूजी टीम समर्थ कडूची ओवरते विकेटने पुन्हा एकदा इथे मात्र बॉल उडवलाय पाहूया कुठेही जातोय उंच तर गेलाय जास्त परंतु डिकलिक जावेल ओनली सिंगल शार्ली आमची फार मोठी मेहनत घेतली आज त्यांनी सगळे बॉल्स शोधून आणलेत आज गेले तीन दिवसापासून फार मोठी मेहनत घेतली चौथ्या दिवशी उद्याच्या दिवशी त्याच्यास मात्र सरप्राईज गिफ्ट आपल्यासाठी देणार आहेत <laughs> तीन धाबा दाफलकावर ओ इथे मात्र कवर्सला खेळायचं होतं बाहेरची एज लागल्यानंतर पुन्हा एकदा बॉल मागे गेलाय एक एकदा मात्र मिळते काय छटक टाकलं आहे मॅजिकल स्मेल पाहायला मिळालं आहे समर्थकडून या ओव्हरमध्ये दे धाबा दिल्या त्या फक्त आणि फक्त चार जाबा सफलता नाही आहे परंतु पूर्णपणे मित्र म्हणेन बॅकपूटवर नेण्याचं काम मात्र केलं आहे ते विराट मन पाली टीमसाठी दोनही फलंदाज राहुल शेळके आणि प्रशांत पाटील खेपट्टीवर सुरक्षित आहेत मग सुद्धा आपण पाहिलं आयकॉन खेळाडूंनी पाच पाचच जाबा दिल्या हो होत्या मागच्या मॅच मध्ये परंतु त्यानंतर मात्र रेग्युलर गोलंदाज जे ग्रामीण संघामधून खेळतात त्यांच्यावर मात्र अक्षरशः चक्का चूर केला होता त्या गोलंदाजांचा आणि याही मॅच मध्ये असंच काहीस घडणार का विनोद भगत येतोय विनोद भगत एक नामवंत अष्टपैलू खेळाडू आहे गोलंदाजचा यार या बच्चा बॉल टप्पा पडल्यानंतर आतमध्ये आला होता थोडासा अंगावर आला होता असा अंदाजच आला नव्हता प्रशांत पाटील एक नावाजलेला फलंदाज ओळखला जातो चिखले आपल्या ग्रामीण टीमसाठी खेळतो अगदी शांत असणारा खेळाडू परंतु क्लास फटके या फलंदाजाकडे आहेत नेहमीच हे फटके सातत्यानं आपल्याला पाहायला मिळतात परंतु या मॅचमध्ये त्याला थोडंसं शांत ठेवलं आहे विनोदचा हा बॉल पूल केला आहे किथून मात्र सरळचाला मिड विकेटला चांगली फिल्डिंग नौजल त्या ठिकाणी होता एकच जाव मात्र आले सिंगल रन ओनली विनोद भगत धाव संख्या जाऊन पोहोचले ती पाच आकड्यावर द विकेट पुन्हा एकदा विनोद इथे मात्र फटका सजवलाय राहुल ना परंतु चेंडू बॅकवर्ड स्कोरला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर एका एक धावेसाठी त्या क्षेत्रामध्ये दोन फटके मारलेत राहुल ना परंतु जास्त काही धावा मिळालेला नाही आहेत त्यामुळे क्षेत्र योग्य निवडावं लागेल ते राहुल शेळकेला ताकद जरूर आहे टायमिंग चांगलं आहे परंतु योग्य क्षेत्राची निवड करावी लागेल समोर खेळावं लागेल तर नक्कीच सहासा धावा मिळू शकतील परंतु इथे अगदी शांतता पाहायला मिळते परी विराट इलेवन पाली संघाच्या गोटामध्ये थोडीशी अस्वस्थता आहे कारण नऊ चेंडू संपलेत आणि नऊ चेंडू नंतर धावा झाल्या त्या अवघ्या सहा विनोद भगत थोडासा रनअपमध्ये गडबड बॉलचा इशारा यानंतर बामणडोंगरी संघाला इन अँड ऍक्शन आपल्याला पाहायला मिळेल हो शॉट ऑफ लाईन जसं पाहिला प्रशांत पुढे येतोय आणि काय प्रेझेन माइंड वापरलं आणि हे फार गरजेचं असतं गोलंदाजासमोर जसं पाहिलं फ्रंटफूटला येऊन खेळतोय शॉर्ट ऑफ लेन केला बॉल आपटला बॉल नक्कीच कौतुक करूया आपण ते विनोद भगतच ज्यांनी ओळखलं प्रशांतला इथे मात्र पुन्हा एकदा मध्ये गडबड जेट बॉलचा इशारा मात्र आलाय सहा धाबा दहा चेंडूंच्या समाप्तीनंतर ओवर द विकेटनं पुन्हा एकदा आता मात्र प्रेक्षकांना सुद्धा पडलाय प्रश्न अगोदरच बराचसा उशीर घेतलाय कोंबडबुजे टीम न आणि त्यात विनोद बघायचा चा रनअप आज मात्र काय गडबड होत आता राऊंड विकेट न आलाय साईट चेंज या यावेळचा फटका उंच गेलाय प्रशांतचा हा स्वीप चा फटका पोहोचवलाय स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर यासाठी ओळखला जातो हा फलंदाज आणि अखेरीस मात्र हा षटकार येतोय धावसंख्या सहा ना पुढं जात असताना बाराबर गरज होती या फटक्याची आणि कोणाच्या तरी बॅटमधून तो येणं आवश्यक होतं आणि आज आयकॉन खेळाडू प्रशांतच्या बॅटमधून मात्र हा मोठा फटका आलाय बारा धाबा झाल्यात आणखीन एक चेंडू शिल्लक आहे अजून एखादा मोठा फटका आला तर सुस्थितीमध्ये पोहोचण्याचा प्रयत्न करेल तो पाली संघ थोड़ा सा आत्मविश्वास वाला अलक्यान कुलंदा सा यार इथे मात्र हुक करण्याचा प्रयत्न समोर टपलवलं होतं बॉलला बॉल, बॉल हवेमध्ये परंतु डिक्लर झोनमध्ये टायमिंग प्रॉपर झाला नव्हतं खेळायचं होतं थोडंसं कवरच्या दिशेनं जसं पाहिलं बाउन्सर येतोय परंतु एकच धाव मिळेल धावसंख्या एक ने पुढे जात असताना दोन षटकांचा खेळ संपलाय आणि धावफुलकावर मात्र धावा लागल्यात त्या तेरा ते ते धाबा थर्टीन रन्स अजूनपर्यंत मी तर म्हणेन थोडस शांत ठेवले थोडं स्पीडअप करा मंगेशमध्ये कोंबडभूजे टीम फार वेळ घेत आहे लगेच गोलंदाज तयार करा जास्त वेळ घेऊ नका कारण आता मात्र बराच उशीर झाला आहे तिसरं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर च्या खेळाडू आहेत परंतु कमालीचे गोलंदाज आहेत पहिलाच बॉल स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड वाडे सुपर स्ट्रोक ऍब्सोलुटली ब्रिलियंट क्लास जवाब फटका क्लास पाहायला मिळालाय स्ट्रेट ड्राईव्ह प्रशांतच्या बॅटमधून मात्र हा घणाघाती प्रहार षटकार लाज जवाब फटका सुंदरता एवढी आहे या फटक्यामध्ये अगदी स्ट्रेट ड्राईव्ह क्लास दाखवलाय प्रशांत पाटील केलंय एकदा दिनेश या यावेळेस मात्र थोडासा वाईट ठेवला होता बॉल फलंदाजापासून दूरवर थोडासा क्रीज सोडून बाहेर निघाला होता परंतु टप्पा पडल्यानंतर बॉल सुद्धा थोडासा खाली राहिला तुलनेनं कमी आला खाली आणि इथे मात्र षटकारानंतर कमबॅक करत असताना दिनेश उल्वेकर शॉट ऑफ लेन या वेळेस मात्र मिस केलाय प्रशांत पाटीलनं या बॉलवर कदाचित एक मोठा स्ट्रोक खेळाचं होतं आणि यायला हवा होता, होता। परंतु इथे मात्र मिस केलाय डॉट बॉल निर्धाव चेंडू चांगलं कमबॅक दिनेश उल्वेकर प्रत्युत्तर दिलंय प्रशांत पाटीलला हुक करायचा होता टायमिंग प्रॉपर नाही आहे बॉल मात्र एज लागून मागे चाललाय लेगच्या दिशेमध्ये एक धाव मात्र येते धावसंख्या एकने पुढे जात असताना स्कोर कार्डवर लागल्या त्या वीस धावा ट्वेंटी रन्स हे दोन चेंडू फार महत्वाचे आहेत आता मात्र निदान एखादा मोठा स्ट्रोक हवा आहे तो पाली टीमला काही झालं तरी या दोन बॉल्समध्ये त्यामुळं जर एखादा मोठा स्ट्रोक आला तर शेवटच्या ओवरमध्ये एक दहा बारा धावा येऊन चाळीस प्लस फोर्टी प्लस एक चांगली धावसंख्या ठरू शकते या मॅचमधली आणि तोच प्रयत्न मात्र असेल दिनेश उलवेकर पुन्हा एकदा सज्ज होतील पहिल्या बॉलवर षटकार पडल्यानंतर मात्र पुढच्या तीन बॉलवर फक्त एकच दिले बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न बॉल मात्र स्कोअर चालला आहे चांगली फिल्डिंग त्या ठिकाणी एकच जावेल सिंगल रन ओनली दहा संख्या एक ने पुढे जात असताना स्कोर जाऊन पोहोचलाय तो एकवीस वर ट्वेंटी वन रन्स सॉन बोर्ड या बॉलवर आता मात्र सगळ्यांची नजर लागली असेल ती प्रशांत पाटीलकडे काय करणार इथे मात्र स्लॉग स्वीपचा फटक्या ऑपस्टमच्या बाहेरचा बॉल उचललाय ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर ठोकलाय आणखीन एक लाज जबाब फटका षटकार तिसरा षटकार प्रशांत पाटीलच्या बॅटमधून आणि या षटकाराच्या सहाय्यानं टीमची धाव संख्या जाऊन पोहोचले ती सत्तावीस या आकड्यावर ट्वेंटी सेवन इट्स अ गुड टोटल खरंतर या सत्तावीस धावा सुद्धा खूप आहेत परंतु सकाळपासूनच्या ज्या धावा पाहिल्या वाहिल्या तर आज मात्र या धावा आम्हाला कमी वाटतात परंतु या सत्तावीस धाबा गेल्या दोन दिवसामध्ये सत्तावीस झाल्या चार ओव्हर्समध्ये तरीही सांग जिंकत होते परंतु अजून एक षटकाचा खेळ बाकी आहे या ओवरमध्ये थर्टीन तेरा धाबा त्यापेक्षा जास्त आल्या तर चाळीसपेक्षा जास्त धाबा नक्कीच एक डिफेंडेबल टोटल मात्र ठरू शकेल ती पाली संघाच्या दृष्टिकोनातून दिनेश उलवेकर यांच्या ओव्हरमध्ये धाबा आल्या त्या चौदा तीन ओव्हर्सनंतर नऊच्या सरासरीनं सत्तावीस धाबा कारण पहिल्या ओव्हरमध्ये समर्थकडून टिचून कामगिरी केली होती अगदी जो मारा आपण पाहिला तर फक्त चारच जाबा दिल्या होत्या आमचे चार्ली पुन्हा एकदा सगळे बॉल्स घेऊन तेजस मात्रे यांच्यावर विशेष प्रेम आहे त्यांचं कारण बॉल जाण्याची जेवढी जा चिंता तेजस मात्रे यांना नसते तेवढी चिंता मात्र चार्ली यांना आहे यस बॉल द्या कितीही बॉल दिले आतमध्ये तरी ते, ते परत येत आहेत आणि चार्ली यांचा योग्य तो सत्कार मात्र उद्याच्या दिवशी संध्याकाळी केला जाणार आहे तेजस मात्रे यांच्याकडून अशा रीतीनं बॉल शोधून आणतात तेजस मात्रे पोलीस डिपार्टमेंटमध्ये बॉम्ब शो बॉम्ब शोधक पथक एक असतं ना तिकडे कुठेतरी बघा भरती करता आली तर कारण त्यांना वास लागतो त्या बॉलचा तुम्ही सुद्धा पोलीस डिपार्टमेंटमध्ये आहात कुठेतरी त्यांना जर नोकरी असेल तिकडे शोधण्याची काहीतरी तर ती बघा तर चौथं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्क मात्र सज्ज होतोय रोहित भोईर रोहित भोईर स्लॉग ओवरचं षटक घेऊन सत्तावीस दाबा झाल्यात राहुल आहे स्ट्राईकला पहिलाच बॉल या वेळेस मात्र कबर्सला टायमिंग प्रॉपर नव्हतं बॉल मात्र कबर ओ अ सुपर फिल्डिंग कमालीचं क्षेत्रक्षण पाहायला मिळालं त्या ठिकाणी एका हातामध्ये अगदी, अगदी, अगदी सरकत गोट्यानं अगदी चांगली फिल्डिंग केले एकच जाव यावेळचा हा फटका बॅकपुटला जाऊन स्लॅश कव पॉइंटच्या वरतून ठोकलाय आणखीन एक दिमागदार फटका मैदानाच्या चौफेर फटकेबाजी सुरू आहे ती प्रशांत पाटीलची आयकॉन खेळाडू मॅन फ्रॉम चिखले आणि या षटकाराच्या सायना टीमची धाव संख्या चौतीस वर थर्टी फोर सुरुवातीला शांत होता नावाप्रमाणे आणि अगदी ज्याप्रमाणे त्याचं नाव आहे प्रशांत तेवढा असतो स्वभावानं सुद्धा शांत असतो परंतु मैदानामध्ये आल्यानंतर मात्र अशांत होतो आणि आता मात्र ही शांतता जी पहिल्या ओवरमध्ये होती ती कुठेतरी स्वतःची भंग करत असताना आणि प्रेक्षकांची वाहवा मिळवत असताना प्रशांत पाटील चांगली कामगिरी करतोय कॉन खेळताना पाली टीम कडून तेरा चेंडूंमध्ये कोणतीच जाबांची गिळी साकारले ती प्रशांत पाटीलनं पुन्हा एकदा बॅकपुटला जाऊन स्लॅश केला यावेळेस मात्र कबरशा दिशेनं बॉल येतोय हो मिसफील्ड बॉल सीमा पार खराब क्षेत्रक्षण एवढ्या हळूहारपणे आलेला चेंडू मनोज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू आणि इथे मात्र नाहक धाबा दिल्या आज मात्र नशिबाची साथ थोडीशी लाभली ती प्रशांत पाटीलला या चार धाबा मात्र त्याच्या टोटलमध्ये ऍड केल्या जातील धावसंख्या के जाऊन पोहोचले ती अडतीस थर्टी एट अडतीस धावा इट्स अ गुड टोटल चांगली टोटल आता मात्र उभी केले अजूनही तीन चेंडूंचा खेळ बाकी पहिल्या षटकामध्ये चारच धावा आल्या होत्या आणि त्यानंतर मात्र भरारी घेतले फुटला जाऊन पुलचा फटका समोरच्या दिशेला बॉल सीमारेषेच्या पलीकडे चाललाय या पंचांचा इशारा पुन्हा एकदा सहा धावांचा षटकार आणि जो प्रशांत शांत होता आता मात्र खवळलाय आणि या षटकाराच्या सहा टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचले चव्वेचाळीस कुठेतरी त्याच्या मनामध्ये खंत होती कारण पहिल्या पाच बॉलवर फक्त तीनच जाबा आल्या होत्या थोडासा पाली संघ सुद्धा कुठेतरी मनामध्ये वाटत होतो अरे आज प्रशांत असा काय खेळतोय परंतु प्रशांत थांबेल धरतो तो, तो प्रशांत कसला ज्या फलंदाजाच्या पहिल्या पाच बॉलवर फक्त तीनच धावा आल्या होत्या आणि त्यानंतर मात्र षटकार चौकरांची आतशबाजी करत असताना सोळा बॉलमध्ये चाळीस धावांची खेळी साकारले ती एकट्या प्रशांतनं आणि संघाला पोहोचवलं आहे ते पंचेचाळीस सुरक्षित ठिकाणी मी तर म्हणेन कारण पहिल्या दोन दिवसामध्ये ही धावसंख्या झाली ते संघ जिंकलाच म्हणून समजा परंतु आजचं चित्र थोडंसं वेगळं आहे आज साठसाठ धाबा झाल्यात आज सगळे आयकॉन खेळाडूंनी धुमाकूळ घातला आहे त्यामुळं काय होईल हे सांगणं फार कठीण आहे परंतु पाली संघाकडे गोलंदाजी चांगली आहे आणि हा नेहमीच त्यांच्यासाठी मदतीला धावून येणारी ही गोष्ट आहे हुक करायचं होतं परंतु एवढा ऑपस्ट्रमच्या बाहेर जाऊन हुक होणं कठीण होतं ते राहुलसाठी दोन धावा मात्र मिळतील इट्स अ गुड टोटल फोर्टी सेवन पहिल्या षटकामध्ये समर्थकडूच्या आलेल्या चार धावानंतर कोणालाही वाटलं नव्हतं पस्तीसच्या पुढे ही धावसंख्या जाईल परंतु प्रशांत पाटील प्रशांत पाटील वर जो विश्वास टाकला होता पाली गावानं त्या विश्वासाला सार्थ ठरवत त्या इनिंगचं चीज केलंय कम्मालीची इनिंग पाहायला मिळाली शेवटच्या ओव्हरमध्ये धावा आल्या त्या तब्बल वीस धावा ट्वेंटी रन्स तर पाहूया कशा पद्धतीने या धावांचा चेस केला जाईल अठ्ठेचाळीस धावा करायच्या या मॅच मध्ये ऐकूया दुसऱ्या सत्रामध्ये पुन्हा एकदा अमित जी मात्रे यांचा आवाज अच्छी बॉल और पहली गेंद इस बार देखा थोड़ी सी बाहर चली गई है गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क को हुआ नहीं पहली गेंद डॉट पाली की तरफ से गेंदबाजी आरंभिक प्रसन्न पाटिल पाड़ी और स्ट्राइक के ऊपर खेल रहे हैं धीरज महा्रे तीसरी बार खेल रहे दो बार इस बार देखा जाए दोबारा गेंद इस बार देखा जाए वही लाइन के साथ उन्होंने फेंका कोई मौका नहीं दे धीरज मात्रे को मोरावे की इस सुपुत्र को शांत रखा है दो गेंदे खत्म हो गए प्रसन्ना की तीसरी गेंद लेफ्ट और दो विकेट सेकेंड बाजी करेंगे अच्छी गेंद इस बार देखा जाए यहां थोड़ी सी इस बार उछाल वाली गेंद थी अंपायर इस बार प्रसन्न को सूचित कर रहा है कि एक बाउंसर तो आपने मारी हुई है अगली बाउंसर के लिए आप थोड़ी सी सावधान रही है तो अगर आप मारेंगे तो हम आपको दंडित किया जाएगा चौथी गेंद इस बार दिशाइन थोड़ी सी भटकी गेंद नेक्स्ट के बाहर व्हाइट का इशर अंपायर सुनी पाटी साहब की तरफ से और अतिरिक्त रनों के साथ यह देखा जाए तो कुंबड़ बुजे टीम का खाता ओपन हो चुका है स्कोर वन के घर में ओ तो बहुत अच्छी शानदार गेंदबाजी चल रही है तीन गेंदे उन्होंने इस बार देखा है थोड़ी सी लेग कटर हो चुकी उनकी गेंदे इतनी बाहर चली गई है कि बल्लेबाज को पूरी तरह से बांध के रखा है हम्म जो आइकॉन खिलाड़ी जो थे उन्होंने गेंदबाजी सभी अच्छे सभी ने अच्छे किया आज तक लेकिन यहाँ इस बार का प्रसन्ना भी सुंदर गेंदबाजी कर रहे पूरी तरह से धीरज मात्रे को उन्होंने बांध के रखा हुआ है नेक्स्ट बॉल और इस बार लॉप किया है शॉट मिड विकेट पकड़ो संकष्टी है वाह पकड़ लिया कैच मात्रे चले बैक टू पहला झटका इसी बीच इस देखा जाए मंगेश स्मृति कोमर भुजे टीम को स्कोर इस बार देखा जाए एक एक विकेट के नुकसान पे आइकॉन इस बार देखा जाए ज्यादा करिश्मा दिखा नहीं सके सीधे वापस आ गए इस बार ड्रेसिंग रूम में आराम करने के लिए इस बार दूसरे आइकॉन खिलाड़ी आए समर्थ कड़ू नेक्स्ट आखिरी बॉल।, बॉल के ऊपर पुल पुल, 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 पुल चर्चा इस शॉट की आखिरी गेंद थी क्या प्रसन्न ने पांच गेंदे फेंकी थी लेकिन अंतिम बॉल थोड़ी सी इस बार देखा जाए मिल गई बल्लेबाज के बल्ले के बीचों बीच लगी और चली गई बाउंड लाइन के बाहर मिड विकेट के ऊपर एक छक्का आया छे के साथ देखा जाए तो यह मंगे स्मृति कोमर भुजे टीम का स्कोर पहुंचा है सेवन पे पे स्कोर जा चुका है एक विकेट के नुकसान पे अब अठारह गेंद शेष और जीतने के लिए इकतालीस रन चाहिए सोमनाथ का जीव थोड़ा दीपक सर तिल मिला हुआ क्योंकि हम खा रहे हैं वो थोड़ा इंतजार कर रहे हैं हमारे इस बार ट्वेंटी फोर इवेंट लाइव की क्लियरिटी देखी पूरी तरह से शानदार ये जानदार आयोजन नियोजन लस्सी का आनंद लेते हुए क्योंकि चाय पीने से पेट जल जाता है लेकिन आज उपवास है गणपति बापा के परम भक्त है जिनके मन में जो कुछ लड़की की आशा है वो पूरी हो जाता था अस्त वो इस बार अठारह गेंद और इकतालीस रन चाहिए जीतने के लिए सेकंड बॉलर आए हैं परेश चढ़ के इस बार हमारे ओझा साहब आए उनका स्वागत हम करने जा रहे हैं आइए आपका हार्दिक स्वागत है से इस बार सात स्कोर बन चुका है वन विकेट के नुकसान पे अट्ठारह गेंदे इकतालीस रन चाहिए फोर्टी वन रनों की अभी तक जरूरत है जीतने के लिए अनिच्छताओं का खेल क्रिकेट है क्रिकेट में कुछ दोहरा ही नहीं जाता है इस बार समर्थ समर्थकों के लिए गेंद थोड़ी तो सी इस बार आउटसाइड डॉप्ट ज़्यादा थी व्हाइट घोषित कैम्पर दल करण स्वर्गी जी ने और अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता है स्कोर पहुंचा है आठ के घर में आठ पे स्कोर जा चुका है एक विकेट के नुकसान पे समर्थकों इस बार स्ट्राइक के ऊपर के बाजात के खूंकार बल्लेबाज हैं जिन्होंने क्रिकेट के कुरु क्षेत्र के ऊपर अपना नाम रोशन किया है समर्थकों के लिए अगली बॉल जोरदार घुमाने गए थे लेकिन गेंद और बल्ले के बीच संपर्क हुआ नहीं खासा ठीक ठाक संपर्क हुआ नहीं गेंद विकेट कीपर के, के हाथों में टीम का स्कोर आठ के घर में एक विकेट के नुकसान पे कॉम्पड़े बोजे टीम अभी तक तो जीतने के मेरे हिसाब से चालीस रनों की जरूरत है इस बार लॉप किया है लेकिन सिंगल ही मिलेगा ऐसा लग रहा है स्पॉट में वन सिंगल आया और एक सिंगल के साथ स्कोर नाइन के घर में नाइन पे स्कोर जा चुका है अड़तालीस रनों का टारगेट इसी बीच भुजे टीम के सामने रखा हुआ है परी इलेवन पाली टीम ने थोड़ी सी इस बार बारिश का सिग्नल धीरे धीरे आने दे रहे हैं ओ संभाल के भाई साहब गणपति अगले महीने में अगर हम पार के टकले के ऊपर लग जाए तो कितना प्रॉब्लम हो जाएगा यार संभाल के नाइन पे स्कोर चार्ली को थोड़ी ठंडी भरती हुई सुनील पांडे सर उन्हें थोड़ा सा औषध देना पड़ेगा शेल के गेंद ओहो इस बार देखा जाए सुंदर गेंद थी लेकिन इस बार पुल करने गए थे फाइन लेग के ऊपर लेकिन कामयाबी हासिल नहीं अच्छी बॉल सुंदर डिलीवरी कोई रन नहीं है कोहली स्ट्राइक के ऊपर है एक तगड़े बल्लेबाज है लेकिन यहाँ गेंदबाजी पाली की बहुत ही सुंदर चल रही है आ, बहुत अच्छी गेंद स्टाम टू स्टाम गेंदबाजी चल रही है लाइन अच्छी है लेंथ भी अच्छी है शानदार डिलीवरी देखने को मिल चुकी है ऐसे गेंदबाजी एक नब्बे के दशक में कोर्ट ने वॉल्स आप ज्यादा ऐसे गेंद फेंकते थे उसी तरह से इस बार देखा जाए ये गेंदबाज फेंक रहे और आज के जमाने में आप देख सकते जसप्रीत बुमराह जी ऐसी गेंदबाजी कर रहे हैं उसी तरह से इस बार देखा जाए यहाँ ये गेंद देख के मुझे बुमराह जी की याद आ गई शानदार गेंद और ये गई तगड़ा शॉर्ट देखिए छह रन के लिए सड़क पे गई कहने के लिए ट्रॉपिक यहां करो लेकिन मैच देखने के लिए स्वर्गीय भारत रत्न राजीव गांधी मैदान के ऊपर आई है बेहतरीन जगह ऐसे शॉट मार रहे हैं और हमारे ट्वेंटी फोर इवेंट के ऑपरेटर लस्सी पी रहे वो आठ कमाल का टाइमिंग चार्ली जा रहे हैं एक बार फिर से बॉल को ढूंढने के लिए छः के साथ पाँच इस बार कम्बल बजे टीम का स्कोर पंद्रह के घर में एक विकेट के नुकसान पे तेरह गेंद तैतीस की जरूरत है क्रिकेट में कुछ भी होता था शुभम कोहली लाई में आए हुए और इस बार याद देखा जाए याद है कि अंपायर से वाइड मांग रहे थे लेकिन इस बार ये डिलीवरी लाइन जो हो जाती है दूसरी उससे भी ज़्यादा बाहर गई नहीं इसीलिए अंपायर दरकान चोर के जिन्होंने उसे सही गेंद साबित किया और इसी के साथ ओवर की समाप्ति हो गई है दो ओवर के समाप्ति के बाद आप देख सकते हैं तो यहाँ मै स्पोर्ट कोमड़ भोजे टीम का स्कोर है पंद्रह एक विकेट के नुकसान पे आने वाले बारह गेंदे तैतीस की जरूरत है सोलह दशमलव पाँच शून्य का रिक्वायर्ड रन रेट है बिल्कुल हमारे दोस्त ने सही कह दिया गणित आपका परफेक्ट है स्कूल में, में। मेरा गणित का प्रॉब्लम बहुत था पहले स्कूल में आता ही मेरा गणित कच्चा था वो कंबाइन में मेरा सब्जेक्ट छूट गया था दसवीं में साइंस और उसे ऐड किया छूट गया तो हाँ नहीं तो अभी तक वो उधर ही रह जाता लेकिन अच्छा हुआ उसके बाद एक बार फिर से हम बारह स्कूल कॉलेज में गए बहुत मज़ा की एक बार एक लड़की को पूछा तो मुझे बहुत पसंद है तो उसने कहा दोबारा पूछा तो पापा को लेके आएगा पतली करी से छू कहा अभी कहा नहीं मिली है ये नसीब की बात हो जाती है सबकी बात नहीं है और चलते हैं मैदान के अंदर समर्थक इस बार स्ट्राइक के ऊपर आ चुके हैं बारह गेंदे जीतने के लिए तैतीस की जरूरत है पाली कप्तान को सोचना दादा टाइम पास मत कीजिए क्योंकि मुकाबले और बहुत होने वाले हम दोनों कॉमेंटेटर को संकट दिए ध्यान में रखिए गेंदबाज आए हैं पाली कल्पेश कल पे शेल के समर्थकड़ू के लिए क्या करेंगे समर्थक और इस बार ये पंडित साहब वाइटम की ज्यादा ही बार गेंद चली गई एक सिंगल के साथ स्कोर जाता है सोना जी सोलह के घर में सिक्सटीन पे स्कोर बारह गेंदे बत्तीस जमाना ऐसा था ना ऐसी गेंदे मैंने समर्थकड़ू ने इतने लंबे मारे हुए हैं लेकिन कहते हैं ना कि थोड़ा सा एक टाइमिंग क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट बात है अच्छी बॉल थी समर्थ करो के लिए ग्यारह गेंद और इस बार हर सिंगल ही मिलेगा ऐसा लग रहा है स्पॉट में नो बॉल है और स्टेप हो चुका है इस बार देखा जाए देखिए और अगली गेंद फिर ईट की ये लाइन जो होती है ना उसे पार मत करो नोबॉल दिया सुनी बड़ी साहब जी ने क्योंकि रामायण में क्या हुआ लक्ष्मण जी ने इस बार रेखा की थी उन्होंने सीतामाही को कह दिया कि इसे पार मत करो माई ने पार करने के बाद क्या हुआ रावण भगा के लेके गए लाइन बहुत डेंजर होती है इस बार अंपायर ने भी इस बार भी दंडित किया है तो अगली गेंद फिर ईट की है बल्लेबाज के पास बड़ा मौका है लाइसेंस है तो ग्यारह गेंदे जीतने के लिए तीस रनों की जरूरत है शोम स्ट्राइक के ऊपर दायर के बल्लेबाज कल्पेश सेल के तैयार गेंदबाजी करने के लिए और सामना करने के लिए शोम कोहली तैयार है हम विनती कर फील्डिंग पोजीशन से रहेगी इसमें बदल मत करो बॉलर वैसा ही रहेगा उसके नसीब का भाग है वो <laughs> और एक बार फिर से ऑन साइड के ऊपर खेल दिया है या पैरों के ऊपर गेंद जरूर थी एक चुरा है दूसरे के लिए भागने जा रहे हैं सबर तो ने क्रीज छोड़ दिया और दूसरा रन पूरा कर दिया क्योंकि जहां डिप्सकर ले खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे तब तक के लिए बल्लेबाजों ने दो रन आसानी के साथ पूरा कर दिया फ्री फ्रीट की गेंद थी इस गेंद के ऊपर दो रन मिले और दो रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता स्कोर पहुंचा है बीस के घर में आने वाले दस गेंदे और अट्ठाईस की जरूरत है कल्पेश की यह गेंद थी या या देखिए और इसी के साथ क्या दौड़ रहे वाइट तो जरूर है यानी कि वन प्लस वन दो रन मिले और दो के साथ एक बार फिर से स्कोर आगे बढ़ता हुआ बाईस के घर में दस गेंदे और जीतने के लिए अट्ठाईस छब्बीस रनों की जरूरत है समर्थक के अंदर के सुपुत्र बोले थे हमारे भाई जयदास ठाकुर जी इनका गांव एक सुमधुर तबला वादक और एक जबरदस्त निवेदक हमारे जयदास जी ठाकुर साहब इनकी भी याद आमी हमें आई तो उनका भी स्वागत हम कर रहे दस गेंदे छाबीस की नेक्स्ट कडू कडू के लिए कड़ू ने उड़ाया लेकिन पकड़ जाएगा ऐसा लग रहा है अंदर आता हुआ समर्थ कडू चले इस बार देखा दो रन बना के बैक टू आउट उन्होंने चार गेंदों का पांच गेंदों का सामना किया और यहां देखा जाए तो मेरे हिसाब से तेईस रन पे बाईस रन पे दूसरा विकेट गिरता हुआ मंगेश स्मृति कॉमर कॉम्बे टीम का नए बल्लेबाज विनोद भगत इनका आगमन बारिश का आगमन हो चुका है देखिए बारिश में सभी खिलाड़ी भीग रहे हैं उनकी मजा है देखिए भीगने की मजा ही कुछ अलग हो जाती है छाता मत पकड़ो जरा भीगने दो तो ठंडी भरने के बाद व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भेज देंज और मजा आ जाएगा विनोद भगत इन न बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं लेकिन यहाँ जीतने के लिए मेरे हिसाब से नौ गेंदे छब्बीस की जरूरत है बारिश आई हुई है अंपायर ने अपना जैकेट पहना हुआ है इसे रेन कोट हम कहते हैं तैयारी में है बड़ी बड़ी इमारत हमारे इस बार देखा जाए यहाँ ऑफ साइड के क्षेत्र में बनने जा रही है लेकिन अब बड़ी इमारत इस ओर में आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि जहाँ नौ गेंदे और छब्बीस की जरूरत है और निच्छताओं का खेल क्रिकेट है क्रिकेट जेंटलमैंस गेम है और क्रिकेट एक बेहद रोमांचक खेल है गतिशील खेल के इसमें खेलने की मजा ही अलग बात हो जाती है छोटा बच्चा हो जाए या बच्ची हो जाए पहला पसंद क्या करती है? वो क्रिकेट या बल्ला और गेंद को पसंद करते हैं देखिए सभी खिलाड़ी कैसे भीग रहे बारिश में आनंद लेते हुए और यहाँ शुभम कोहली एक धाकर बल्लेबाज सेट बल्लेबाज मैदान के अंदर है अभी तक और इस बार यहां देखिए डीप ऊपर गेंद चली गई थी और स्वस्तिक को इस बार देखा ए, एक चुराया दूसरे के लिए भाग लिया और दो रन चुरा लिया देखिए इस फील्डर की जो फील्डर है ये इनकी कितनी इस बार देखा जाए जिन्हें दे, चिंता है देखिए अर्जुन ने उन्हें छाता पकड़ा है उन्होंने कह दिया की कि तुम भीगना मत और एक बार फिर से यार डिक्लर में जा चुकी है अगेन यार एक सिंगल मिलेगा डिक्लर जोन में एक सिंगल के साथ स्कोर 25 के घर में 25 जून उन्नीस का विश्व कप कपिल देव साहब के नेतृत्व में हिंदुस्तान ने पहला जीता वेस्ट इंडीज को ब्रेक देना कठिन था लेकिन हम सोल्यूट करते कपिल देव साहब उनके सभी साथीदारों को करोड़ों लोगों की दुआ थी इसीलिए हिंदुस्तान ने उसी टाइम वेस्ट इंडीज को ब्रेक दे पहला वर्ल्ड कप लाया अगर वर्ल्ड कप जीतते नहीं तो तुम्हारा हमारा ध्यान इस क्रिकेट के ऊपर थोड़ा सा कम होता सल्यूट कर रहे एक बार फिर से कपिल देव आपको और मैदान के अंदर चल रहा हो और भगत साहब आप बैट घुमाने गए कुछ फायदा नहीं गेंद चली गई स्टंप के ऊपर से विकेट कीपर के हाथों में और की समाप्ति आने वाले छह गेंदे और तेईस की जरूरत है चार्ली देखिए चार्ली को देखने के बाद तेजस मात्रे साहब ने कह दिया कि मराठी इस बार देखा चित्रपट्टा माधा छकुला <laughs> वैसे हमारे चार्ली इस बार इस बारिश में भीगते हुए थोड़ी देर के बाद पेट्रोल पंप पर दो नंबर के ऊपर वो आने वाले हैं उनकी गाड़ी के अंदर सीएनजी जाएगी उनको और एनर्जी आ जाएगी चलिए मैच शुरू कीजिए नेक्स्ट मैच मद्र साहब नेक्स्ट मैच कुछ है ओ मद्र साहब नेक्स्ट मैच जशन गोल्डी, गोल्डी बामन डोंगरी बनामा विनो स्पोर्ट सावरकार दोनों कप्तान टॉस करने के लिए आए गेंद तेईस रन आखिरी गेंदबाज है विशाल सेल के और सामने शुभम कोहली सलामी बल्लेबाज है मैदान के अंदर इस बार याद देखा जाए तो व्हाइट गेंद है और रात्रि त्रिक्रणों के साथ स्कोर आगे बढ़ता है छब्बीस के घर पे छह गेंदे बाईस विशाल सेल के गेंदबाजी करने के लिए शुभम कोहली को छोटे कद के शुभम कोहली बाईस की जरूरत छह गेंदों में और इस बार ये देखिए परिवर्तन वाली गेंद जब जैसे पेश किया और इस बार थोड़ी सी गेंद ने उछाल लिया पॉइंट के ऊपर खेलने का उनका जो प्रयत्न था वो असफल साबित हुआ पांच गेंदे बाईस की जरूरत है अभी तक मैच के अंदर कुछ भी हो सकता है छक्कों की बहुचार होना चाहिए और कई क्रिकेट की कहानी बनती है मेरी जुबानी परफेक्ट होती है छक्का चार ले आपके पास बॉल है तो फिर मैदान अंपायर के पास दीजिए जेब के अंदर रखे कुछ फायदा नहीं है सावरकार कप्तान को सूचना दे रहे कि टॉस करने के लिए तुरंत आई है जैसे गोल्डी बामन डोंगरी टीम के कप्तान मौजूद है बाईस रन बन चुके हैं चार गेंदे सोलह रन चार गेंदे सोलह रन शुभम कोहली के पास वो काबिलियत है वो क्षमता है वो हिम्मत है अभिमन्यु की बात आज भी मुझे याद है हिम्मत से हारना लेकिन हिम्मत मत हारना ये हो सकता है तो इस बार टीम इस मैच को जीतने में परफेक्ट साबित हो सकती है अन्यथा ये मैच परी इलेवन पाली टीम जीतने में सक्सेसफुल बनेगी चार गेंदे सोलह की जरूरत है विशाल सेल के को कुछ कानों में मंत्र दिया विकेट कीपर ने आकर कौन खिलाड़ी है पाली के प्रसन्न प्रशांत जी ने माफ कीजिए अरे ऐसा देगा तो कौन छोड़ेगा लेकिन कितना रन आया उसके ऊपर देखिए अरे अरे यार इतना बड़ा स्ट्रोक बस सरदार नाखुश है वन रन एक ऐसा लग रहा था कि छह रन जाने के लेकिन एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचाएं तैतीस आने वाले तीन गेंद और पंद्रह रन लेकिन स्ट्राइक रोटेट हो गई है विनोद भगत स्ट्राइक के ऊपर आए फुल टॉस गेंद थी है, मैच के अंदर हम कोई कोई ऐसा कमेंटेटर हो जाए कोई टिप्पणी नहीं कहेगा क्योंकि जब तक आखिरी बॉल फेंकी नहीं जाती तक तो क्रिकेट में कोई भविष्यवाणी दोहराई नहीं जाती तीन गेंदे पंद्रह गेंदबाजी करेंगे विनोद भगत को तीन गेंदे पंद्रह रन दो छक्के और एक बाउंड्री टिबल की जरूरत है तीनों बड़े तगड़े हिट फस गया टाइमिंग फस गया टाइमिंग विकेट कीपर ये और पेड़ पे लगा हुआ तो नॉट आउट है विकेट के ऊपर आप इतना हमें दिख रहा है ना क्या हुआ है ऐसे पेड़ के ऊपर हमारे जो ट्वेंटी फोर इवेंट के है ना पांच बार बैठे हुए दाल टूटी थी एक बार एक लड़की को लेके जानते हैं हम यार यस दो गेंदे और जीतने के लिए चौदह चलिए सावरकर टीम कप्तान आइए टॉस करने के लिए आप मैच में थोड़ा सा लग रहा है ये देखिए बहुत अच्छी सुंदर डिलीवरी और इसी के साथ और की सब और की समाप्ति होने के लिए बस एक ही गेंद बाकी है लेकिन एक गेंद में जीतने के लिए चौदह रन चाहिए असंभव है मेरे हिसाब से संभव बनेगा तो इतिहास के पन्नों में घटना का जिक्र होगा और इसी के साथ इस सिंगल जरूर मिलेगा और याद देखा जाए तो बारह रनों से इस मैच को जीत अर्जित की है हम आपके चार रन आ चुका है तो नौ रनों से इस मैच को जीत अर्जित की है परी विराट पाली। इलेवन पाली टीम ने और परास्त कर दिया है मंगेश स्मृति कोमर भुजे टीम को तो लक कोमर भुजे टीम और वेल डन इस बार देखा जाए पायली टीम और नेक्स्ट मैच शुरू होने जा रहे हैं गोल्डी बामन डोंगरी बनाम सावरखार के बीच लेकिन इस मैच का मैन ऑफ द मैच का आवार जाएगा हमारे बताएंगे नो no डाउट